पे मॉन्क बैठे हुए हैं और मैंने मॉन्क्स को भाई फोन पे गेम खेलते हुए देखा। एक घंटा हो गया मैं यहाँ खड़े हुए। नहीं चलो ये दे दो कह रहा दोनों ले लो, नहीं पसंद आ रहा स्टीम ले लो जिस जिसके गले खराब हो रहे हैं। हाँ जी गाइस क्या हाल है, आज हम जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम? पैसिफिक मॉल जसोला अपोलो हॉस्पिटल के पास में। अगर किसी को ना बताओ वो दिल्ली में पड़ता है ये वाले टोल के बाद में, एकदम टोल पे जूम कर दो, कंक्रीट दिखना चाहिए एकदम कंक्रीट। तो हम घर से निकल आए हैं और थोड़ा सा वेट लॉस होने की खुशी में अभी मैं BMI भी डाल दूंगा, भाई का वेट लॉस हो रहा है, वेट लॉस होने की खुशी में ओए हमने टोल नहीं देना, हम फ्री में जाएंगे। ना 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 ना, हमने टोल नहीं देना, हम फ्री में जाएंगे। वेट लॉस होने की खुशी में और आज संडे है, पूरा हफ्ता डाइट करके थोड़ा सा थक गया, फर्स्ट वीक था क्योंकि। अब हम जाएंगे कुछ बढ़िया बढ़िया मस्त मस्त सा कुछ खाएंगे उल्टा पुल्टा। और यार सुबह से कॉफ़ी नहीं पी है, बड़ी तलब सी हो रही है कॉफ़ी पीने की, मन कर रहा है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है। कम से कम तो दूसरा एक्सीडेंट देख रहा हूँ मैं जो आज हो रखा है हाईवे पे। ठीक नहीं चला रहे लोग आज ना, क्यों क्यों मानो देखा सड़क पर रश देखा फिर मूड है ना। आज हमने उठाई है किया किया सोनेट क्योंकि हमारे स्कॉर्पियो बीमार है, उसकी तबीयत ठीक नहीं है तो उसको डॉक्टर के पास ले जाना है, फिर उसका इलाज होएगा, उसके बाद उसको हम चलाएंगे। ठीक है चलो मिलते हैं भाई लोग मॉल में। ओके ये भाई लोग हम पैसिफिक मॉल, यहाँ से एंट्री होती है इसकी। मार्केट 99 विदेशी ब्रांड है, मिनीसो पूमा। कहाँ जाना है भानु, कहाँ जाना है? DIY भी यहाँ पे तो नहीं, पहले कॉफी तो भूख लग रही है मेरे, प्यास लग रही है। गाइस भानु बैग ले रही है 60% ऑफ पे और समझ नहीं आ रहा भानु कौन सा बैग ले रहे हो, कौन सा वाला ये या वो, कंफ्यूजन में बैठी हुई है। चल मम्मा का फोन आ रहा है, पूछ तो क्या कह रहे हैं। तो भाई लोग घर पे वार्तालाप नहीं हो पाई क्योंकि नेट नहीं आ रहा है यहाँ पे, तो मेरी कॉफ़ी ठंडी हो रही है। जो हमने भैया को बोल रखा था, आंटी को, कि आप हमारे लिए संभाल के रखो, हम शॉपिंग करके आ रहे हैं, इससे पहले कि कॉफ़ी पी जाए मेरी मैं ओके, और फिर फर्दर मॉल दिखाने चलते हैं आगे। भाई भारू को लग रही थी भूख, हम सीधा आ गए फूड कोर्ट में। सब है BK है, ये सब बेसिक चीज़ें यहाँ पे, कैवेंटर्स है, ज्ञानी है, आइसक्रीम है, बेल्जियन वॉफल्स है, लेकिन हम यहाँ नहीं बैठेंगे, हम बैठेंगे बताता हूँ अभी कहाँ बैठेंगे, ये तो बस मैं दिखा रहा हूँ भाई। मॉल में फूड कोर्ट है और बहुत बड़ा है, बेल्जियन वॉफल आ गया, अमृतसर एक्सप्रेस हर जगह खुली है, चीज़ कैफे चेन्नई, डोसा डोसा खाना, जल्दी राम भी है भाई, आई मीन हल्दी राम, एशियन 7 सिजलिंग चाइनीज, क्या बात है भाई। ये तो बड़ा कॉमन है, मतलब कुछ वो नहीं है, बियर कैफे, हाँ ये कुछ नया है, खुले कहाँ अभी, डोमिनो वोमिनो तो हर जगह ही है। ठीक अच्छा क्राउड आया हुआ, यहाँ पे खाना खाओ तबीयत खराब करो, सामने हॉस्पिटल है क्यों पानी कदम भाई, पूरा घूमने के बाद देखो
भयंकर भीड़ आ रखी है। पूरा घूमने के बाद हमने तय करा है कि हम अपना चीट में लगेंगे भाई पिज्जा एज यूजुअल और हम जाएंगे पिज्जेरिया एक्सपर्ट। और भाई भगवान कसम यहाँ पे मॉन्क बैठे हुए हैं और मैंने मॉन्क्स को भाई फोन पे गेम खेलते हुए देखा, कसम से कह रहा हूँ झूठ नहीं गया। तो बैठे हुए भाई एक मॉन्क बैठा हुआ देखा, अगर वो उसकी गेम हाथ में पकड़ा दे ना मॉडल लग रहा भाई मॉन्क ये वाला, ये बैठे हुए इनको नहीं पता मैंने रिकॉर्ड करा गेम खेल रहा है ये हमसे भी ज्यादा फोन चाहिए मानूंगा। बैठी हुई है टेबल लेने के लिए बोला था, बैठी हुई बोले अंदर जाके बात करते हैं। देख लो भाई लोग पिज्जा ही पिज्जा है और ये इंटरेस्टिंग वे में पिज्जा सिलेक्ट करते हुए हमारी धर्मपत्नी इतनी अगर इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाई कर ली होती 10वीं 12वीं में तो आज हम भी IITians होते, लेकिन हम IIT नहीं NITian जरूर हैं। कमजोर मत समझना भाई को, कौन सा पिज्जा खाएं, गर्मी बहुत होती कंप्लेंट आती कंप्लेंट कर दी मैंने तो कि भैया गर्मी हो रही है मुझे नहीं पता AC चलो क्योंकि हम नवाब हैं नवाब। चलो अपना पिज्जा विज्जा सिलेक्ट करो क्या है, स्पाइस चिकन एंड कॉर्न पिज्जा जो भी खाना खाओ मंगाओ यार। ये बैठे हुए भाई मॉन्क और ये गेम खेल रहे थे भगवान की कसम, चलो गेम खेल सकते हैं फोन पे लगे हुए भाई दबा के। हेलो फ्रेंड्स पिज्जा हेलो भाई लोग, हमारा पिज्जा तो आ गया, छोटा लग रहा है थोड़ा सा, क्या हो गया भाई हमारे साथ इतना बोना पिज्जा दे दिया पिज्जा को कॉम्प्लेन की जरूरत है, बेटे आपने कुछ खाया पिया क्यों नहीं जब आप छोटे थे, तो अब हमें आपको बहुत छोटी उम्र में खाना पड़ रहा है, वेरी बैड। तो भाई लोग हमें इस पिज्जा को निपटा के फिर बाहर मिलते हैं और देखते कुछ और खाना है नहीं खाना या इसी पे निपटना है, क्या सिस्टम है अभी थोड़ी देर में अपडेट देते हैं। यार बहुत ही एवरेज पिज्जा था, इसको क्या रेटिंग देंगे यार इस पिज्जा को, आउट ऑफ 5 दो नंबर, ढाई मैंने सोचे थे 2.25 पे सेटल करते हैं, बहुत ही बेकार पिज्जा था यार, 350 रुपये कति बर्बाद, इससे अच्छा डोमिनोज खा लेते हम। कहाँ जाए नेक्स्ट बानू? बोला सिजलत गोले खाने जा रहे हैं भाई सीजल होके गोले के सीजलर, वेयर इज इट? गोला सिजलर आई एम के यहाँ क्या जादू होता अंदर। इस जगह पे भाई बड़ी प्रीमियम फील आ रही है, चार चार तो मैनेजर खड़े हुए चारों तरफ, मतलब कि मैंने पीछे देखा बंदे आ गए पूछने के लिए भाई क्या हो गया आ गई भाई हमारी प्लेटें प्लेटें आ गई है देख रहे हैं कोई शो है तो यहाँ पे आईनॉक्स मेगाप्लेक्स देखा है हमारे को, मन करे ओपनहाइमर देखने का तो बढ़िया रहता है अगर कुछ मिल जाता है हमारे को देखने को भी, काफ़ी प्रीमियम एम्बियंस है यहाँ का। भानु चेक कर रही है इस टाइम पे आईनॉक्स का कुछ मिल जाए हमारे को, एम्बियंस बहुत अच्छा लगा मेरे को है भाई, फील एंड लुक है। और अब देखते हैं हमने एक सिजलर ऑर्डर करा है क्या वो हमारी तृप्ति पूरी कर सकता है नहीं कर सकता है, आज का जो चीट डे या चीट मिल है उसके हो गया ऐसी की तैसी रात को दाल रोटी से पेट भरना पड़ेगा। नहीं बारबी नहीं देखनी है मेरे को, आई हैव नॉट डिसाइडेड टू बी रॉकी और रानी की प्रेम कहानी देख सकते हैं 8:45 का बहुत लेट हो जाएगा कल धंधे बजाना है, उससे पहले कोई भी नहीं है, घर पर जाके टीवी देखे फिर कोई दिक्कत तो नहीं। द ट्रेंच नहीं वो नहीं लगे ओपन हाइमर बताओ ना,
फरीदाबाद में देखना ओपन हाइबर का कोई शो हो तो। अचानक से मन कर गया यार ओपन हाइबर देखने का, कुछ तबाही वबाही हमारे को दिखे। ये आ गया भाई तड़कता भड़कता, स्टीम ले लो जिस जिसके गले खराब हो रहे हैं। मालूम स्टीम ले लो जिसके गले खराब हो रहे हैं। भाप निकल रही है भाई दबा के। ये डेफिनेटली अब तक का सबसे हेल्दी खाना जो हमने खाया है, ब्रोकली बेबी कॉर्न बढ़िया, अरोमा भी बहुत अच्छा आ रहा है। ले ली भाई हमने थोड़ी थोड़ी भाप भी ले ली है, गले वले भी ठीक हो गए, बट इट जेन्युइनली लुक्स वेरी हेल्दी, टेस्टी भी लग रहा है। ट्राई करते हैं, बेबी कॉर्न तो बहुत ज़्यादा गर्म है। फ्राइड नहीं है, फ्राइड तो नहीं है। इनमें सबसे हाँ फ्रेंच फ्राइज भी दिए इन्होंने, और ब्रोकली भी दिया। किसी को भाई हेल्थ कॉन्शियस हो तो यहाँ डेफिनेटली आ सकता है, थोड़ा कॉस्टली है ये प्लेटर, कम से कम तो 1100-1200 रुपये का होगा, बट डेफिनेटली वर्थ इट है। गरम है भाई। मशरूम है, बहुत सारी वेजीज है, डेफिनेटली वर्थ इट है, वर्थ इट है। We'll see you after finishing the meal. चलो भाई भानु खुश हो गया, कैसी रिफ्रेशिंग खाना था। क्यों भानु मॉल आए, मॉल आए और बीबी खुश हो जाए और क्या चाहिए। बहुत टाइम बाद खाना खाया ऐसा। बहुत टाइम बाद कितने 1000 जन्म है, बहुत टाइम हो गया है, महीने बाद है ये भाई हमारे ब्लॉग चेक कर लेंगे जाते कि आखिरी बार कब गया था। अब जो हम शॉपिंग करेंगे, देखते हैं क्या क्या अवेलेबल है। कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, ऊपर तो कुछ है नहीं। हाँ ऊपर तो हमने खाना खा लिया। फूड कोर्ट से उतर के हम जा रहे हैं सेकंड फ्लोर पे, जो कि मेरे ख्याल से यहाँ का मेन फ्लोर है। रीबुक भी है यहाँ पे, रीबुक है। ये क्या है, एसिक्स भी हो गया तब बढ़िया। इसका नाम बेसिक्स नहीं होना चाहिए, एसिक्स क्यों है ये। ये भैया स्कूल में फेल हुए थे लग रहा है। रुकी सैमसोनाइट पोलो सरकार जी। हेलो गाइस, सैमसोनाइट के टैक्सी ले लो, जाओ फॉरेन कंट्री घूमो। तो भाई टैची कर दी उसने, भाई ने नुकसान करा रहे है अपनी दुकान का ही। यार यहाँ पे भी इतना साले साले लिखा हुआ है, क्या चक्कर है, क्यों वहाँ पे साले लगा हुआ है। सस्ता तो कुछ है। हाँ रेयर रैबिट, नाम रेयर रैबिट है, जानवर एक नहीं अंदर, कपड़े कपड़े बेक रहे भाई। ये क्या है, मैडमे क्या होता है, मैड ई कहाँ से आ लिया भाई मैडम में, हमें तो ना बता भाई। पांचवी फेल साले, 50% ऑफ है यहाँ पे। लेवाइस पे भी साले है यार, सभी कुछ पे 50 ऑफ है। पुराना स्टॉक निकाल रहे हैं ये लोग अपना, बाय 4 60% ऑफ, और सारी फटी हुई जींसें रखी हुई हैं। फटी हुई जींस है, देख लो भाई फटी हुई जींस है, पहनने का जमाना चल रहा है। ये मेरा फेवरेट ब्रांड किंग में आया भाई स्केचर्स, अभी इसके मैंने रिसेंटली जूते लिए हैं सिर्फ और सिर्फ ट्रेडमिल करने के लिए। वर्थ इट है, कम्प्लीटली वर्थ इट। और इसके क्लियरेंस सेक्शन में जाओ, क्या फाड़ जूते मिलते हैं,
12,000 के जो थे अब वो 5,000-6,000 में मिल जाते हैं, बट भाई 5,000 तो खर्चने पड़ेंगे डिसेंट शूज से। तो बेसिकली इतना ही मॉल है, कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, वो हिसाब नहीं है। एम्बियंस वाला हो गया, या जो पैसिफिक जो नाम है, जो वसंत कुंज वाला पैसिफिक है, उसकी तो शायद पार्किंग इतनी होगी जितना ये मॉल है। बाकी मेरे को कोस्टा कॉफ़ी दिख रही है, सोच रहा हूँ छोटी सी कॉफ़ी मार लूँ। क्या टाइम हो गया, 8 बज गए, अब नहीं हो सकता, रात में कॉफ़ी पी ली तो फिर जागना पड़ जाएगा। यहाँ बालक पेंटिंग कर रहे, क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया, हैं कहाँ जाना है, नीचे क्या है, कैरेट लेन, बियर्डो भी है, दाढ़ी वाड़ी का सिस्टम। तो गाइस सिचुएशन ये है कि बैग नहीं समझ आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है भानु बताना जरा। ये स्पेशियस है, हाँ ये स्पेशियस है, अच्छा वो लुक है, एक घंटा हो गया मैं यहाँ खड़े हुए। कह रहा दोनों ले लो, लिम पसंद आ रहा वाह। ये भी आपको 2 बारी और सवाल पूछना पड़ेगा, ये बिलिंग के टाइम में भी पूछ लेना, पक्का है कि नहीं है, ये नो रिटर्न है, नो रिटर्न है भाई। हाँ तुम बताओ ना, मैंने लेके जाना है ऑफिस में, मैं ले जाऊँ इसको, सही लग रहा है इसको ले लो, ये भी अच्छा है वो भी अच्छा है। हाँ तो चलो कलर चेंज हो गया एकदम से, अब इसमें ब्लैक कलर पे पहुंच गया हम। बहुत टाइम हो गया भाई, ऐसी बात नहीं है कि मैंने अभी अभी वीडियो बनानी स्टार्ट करी है, थक हार के माथा बच्ची करके 2 परसूस करे हैं, फिर दोबारा परसूस पे आ गया, स्ट्रगल इज रियल ब्रो। वाह ये बड़ा अच्छा लग रहा है यार, वाह ये डन डन बिलिंग करा ले, डन चल डन भाई डन। ये भैया है, भैया आपका क्या नाम है, विशाल श्रीवास्तव, ये कार्लटन लंदन में है और इनकी वजह से ही हम भाई बहुत टाइम बाद बैग चूज कर पाए हैं, वरना भानु का तो प्लान था हम रात भर यहीं बिताते। भैया बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया कलेक्शन लगी मेरे को, इट इज़ वेरी गुड, एंड भैया का स्वभाव भी मेरे को बहुत बढ़िया लगा, थैंक यू भैया फॉर योर सपोर्ट। गाइस गाइस जहाँ से मैंने ना कॉफ़ी पी थी आते ही, और अभी मैंने यहाँ से एक आइस टी भी ली है, देखता हूँ अगर भैया ब्लॉग जेन्युइन कॉफ़ी लगी, जेन्युइन रेट थे इनके, और जगह का नाम है टॉनिक। मॉल में घुसते ही सबसे नीचे सबसे पहले आपको यही दुकान मिलेगी, छोटी दुकान है, 4-5 बंदे ही काम कर रहे हैं इसमें, एंड वेरी टेस्टी फूड, और जेन्युइन बंदे हैं भाई, कोई एक्स्ट्रा प्राइसिंग कुछ नहीं है। बैठने की भी जगह है, सब शांति से बैठे हुए हैं, बढ़िया मेरे को प्राइस लगा इनका, और खाने में भी यही आपके सामने खाना बनाते हैं, वर्क स्टेशन है। तो अभी थोड़ी देर पहले मैं यहाँ से कॉफ़ी लेके गया, अब एक आइस टी पीने का मन करा, घर जा रहे मैंने कहा ले लो तेरा टॉनिक, आओ तो ज़रूर ट्राई करना, पूरे मॉल में एक यही जगह लगी मेरे को भाई वर्थ इट है। बस भाई ये टीम हमारी टॉनिक की, मैम हाय कर दो, सारे हार्ड वर्किंग बंदे हैं, और ये मेरा आइस टी हो गया मेरा, अच्छा नहीं है ये नहीं है, आइस टी बन रहा है मेरा, एकदम ग्लव्स और सबने मतलब प्रॉपर जो है अपना प्रोटेक्शन कर रखी है, बहुत ही। अब देखते हैं आइस टी कैसी लगती है, कॉफ़ी तो मेरे पसंद की, देखो वेरी टेस्टी, वो
पूरा नींबू निचोड़ रहे भैया, कुछ रह ना जाए हल्का भी। वो वाले भैया जो ब्लैक में, उनका नाम आकाश है और ये गीता मैम है। मैंने ठीक बोला आपका नाम गीता है ना? दीपा। दीपा मैम बहुत ही नाइस। अरे मैं दीपावली वाले दिन पैदा हुई थी इसलिए नाम दीपा रख लिया। एक्चुअली क्या है, बंदा काम कर रहा होता है ना तो कॉन्सेंट्रेशन से कर रहा होता है और बीच में फिर हमने से उंगलबाजी करने पहुंच जाते हैं, तो वैसा काम भी नहीं करना मुझे। ठीक है, बंदे बना रहे हैं बट इट्स वेरी गुड। एक बार आ जाए फिर उसके बाद एक फोटो खींचते हैं टीम के साथ। हार्ड वर्किंग टीम है, मज़ा आ गया। और मेन बात यार, लोग प्यार से बोलते हैं, अकड़ अकड़ किसी में भी नहीं मैंने यहाँ देखी। ये चीज़ इस मॉल में है भाई, हो सकता है अभी नया खुला है इस चक्कर में, बट ये वेरी गुड। तो गाइस बात कर लेते हैं मेरे वेट लॉस की। आप देखोगे मैंने 0.5 केजी लूज़ करा है फर्स्ट वीक में। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था फर्स्ट वीक में ज़रा भी वेट लॉस करने का। रीज़न बीइंग मैंने मसल भी गेन करा है, मेरी चेस्ट ब्रॉड हो गई है और थोड़े थोड़े बैक भी निकली है। तो 0.5 केजी इज़ वेरी गुड फॉर फर्स्ट वीक। अब हम देखते हैं सेकेंड वीक में क्या आता है।